अचानक मौसम में आए बदलाव से ठंड काफी बढ़ गई है। सर्द हवाओं के साथ रात्रि 2 बजे से हो रही बारिश ने सर्दी में आग में घी डालने का काम कर दिया। हालांकि 2 दिन पहले ठंड काफी कम थी, परंतु देर रात अचानक से शुरू हुई बारिश के कारण मौसम काफी ठंडा हो गया। देर रात से जिले के कई स्थानों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो सुबह तक जारी रहा, जिसमें मौसम में ठंडक घुल गई। सर्द हवाओं के चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। जहां तक लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव के उपाय कर रहे हैं, वहीं बारिश की वजह से लोगों को बाहर आने जाने में भी असुविधा हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिन तक इसी तरह के हालत रहेंगे। वहीं जैसे ही बादल छटेंगे, वैसे ही सर्दी और अपना विकराल रूप बताएगी। मौसम विभाग का मानना है कि नए साल की शुरुआत काफी सर्द हुई है और पारा काफी नीचे जा चुका है। अनुमान के मुताबिक पारा गिरने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं शहर में आज सर्दी के मद्देनजर कई चौक चौराहों पर लोगों को अलाव से हाथ तापते भी देखा गया और सर्दी के कारण जनजीवन भी प्रभावित दिखाई दिया। रोज की अपेक्षा बाजारों में आज काफी कम लोग दिखाई दिए। बहरहाल आने वाले दिन सीहोर शहरवासियों के लिए काफी सर्द हो सकते हैं। सीहोर से कवि छोकर की ये रिपोर्ट।